स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारे मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ही हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 6 है स्टूडेंट्स, ये हमारा थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर है। जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसी तरह से हमें ग्राफ दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी हमने एक एक्स एक्सिस पे लिया है आपका डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस पे लिया है टाइम। इस ग्राफ में हमें 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। 3 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी। तीनों ही ऑब्जेक्ट जो ग्राफ में आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये तीनों ही अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन के अंदर अगेन ए बी सी डी पार्ट के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इस ग्राफ से रिलेटेड है। फर्स्ट हमें जो क्वेश्चन पूरा रीड कर रही हूँ, आप सुनिए ध्यान से। फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। दिस इज द फिगर एंड दिस इज शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। दिस इज द ऑब्जेक्ट ए, this is the object B and this is the object C. Study the graph and answer the following question. इस graph को हमें अच्छे से study करना है और questions के answer देने हैं। तो सबसे पहले graph को हम अच्छे से study करते हैं। ये time है और ये हमारा distance है। सबसे पहले हमारा है A object है जो कि start हो रहा है हमारा 5 किलोमीटर अप्रोक्स डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है और टाइम जो ले रहा है ये ले रहा है अप्रोक्स 1.6 हर के आसपास। नेक्स्ट हमारा बी ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो कि हमारी कवर्ड जो टाइम ले रहा है हमारा 0.10 के अप्रोक्स आज का टाइम ले रहा है और ये कवर्ड कर रहा है, ये जीरो डिस्टेंस से कवर्ड हो रहा है और ये आगे जा रहा है हमारा 1617 के आसपास जा रहा है। इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सी की, जो कि इस टाइम में आपके 1.5 के आसपास 1.34 के आसपास ये इतनी डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं, जो कि इनका इनिशियल पॉइंट ये है इनका फाइनल पॉइंट। हमने मोशन में देखा है कि एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है। इनिशियल जहां से वो स्टार्ट करते हैं, फाइनल जहां पे वो स्टॉप करते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल जहां वो स्टॉप कर रहे हैं, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल जहां पे वो स्टॉप कर रहे हैं और ये टाइम टेकन होता है कि कितना टाइम वो कवर्ड कर रहे हैं। जब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ए पॉइंट यहाँ पे है, इस टाइम पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। कौन सा ऑब्जेक्ट कितने कम टाइम में कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, ये सारा हम कंपैरिजन करेंगे। और जब हम ग्राफ बनाते हैं और हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, सपोज हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है इस तरीके से, यहाँ हमने ले लिया टाइम और यहाँ हमने ले लिया डिस्टेंस। ये कोई पर्सन है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 पॉइंट से, 4 से, देन 8 से, और सपोज इसने डिस्टेंस कवर्ड किया है 8 किलोमीटर लिया है और टाइम हमने दे दिया इसको 0, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 4। सपोज ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, इसने इतना टाइम में इतना डिस्टेंस कवर्ड किया है और हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो हम इस शेडेड पार्ट को लेते हैं और इसका डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितने पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है वो हम उसके शेडेड पार्ट से, उसके स्लोप से निकालते हैं, उसके स्लोप से हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है। तो इसी से अगर हम इसको ग्राफ को देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज द यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पूछा गया है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ए विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों में से ए बी सी, इन तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट ट्रैवल्ड कर रहा है। तो स्टूडेंट तीनों में से वही ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रैवल्ड करेगा जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है। हम ये देखते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस एरिया है, तो ये आगे सबसे आगे आपका बी है और कितने कम टाइम में है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन होगा जब हम तीनों को कंपेरिजन करते हैं,
तो तीनों के कंपैरिजन में सबसे फास्टेस्ट आपका है बी। स्लो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरीवन नो दिस इज द फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, जो हम ग्राफ का एक स्लोप बनाते हैं, जो स्लोप हम बनाते हैं डिस्टेंस एंड टाइम का, वो इक्वल होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो सिंस स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी, इट इज द ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। सबसे ज्यादा फास्ट यहाँ ट्रैवल कौन कर रहा है? बी कर रहा है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका स्लोप भी ए और सी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसीलिए सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे कौन चल रहा है? बी। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों ऑब्जेक्ट में से ए बी सी कोई तीन पर्सन है, कोई तीन ऑब्जेक्ट है, इसमें सबसे फास्ट रनिंग कौन कर रहा है? तो सबसे फास्ट रनिंग कर रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ऑल द थ्री एवर बी एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या ये तीनों इस रोड पे, कभी जो रोड चल रही है इस रोड पे, कभी तीनों एक साथ मिल सकते हैं? क्या तीनों, कैन ऑल द थ्री एवर बी एट द सेम पॉइंट, क्या कभी वो आगे तीनों एक पॉइंट पे मिल सकते हैं? सो ऑब्जेक्ट ए बी सी नेवर मीट अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ए बी सी एक पॉइंट पे मिले हो, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ए बी सी सेम पॉइंट पे मिले हो, इसलिए ये तीनों ही ऑब्जेक्ट एक सिंगल पॉइंट पे कभी भी नहीं मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या ए बी सी एक साथ एक पॉइंट पे इस रोड पे मिल सकते हैं, जो कि अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम पे कवर्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ए बी सी मिले हैं, इसीलिए ये कभी आपस में एक जगह एक पॉइंट पे नहीं मिल सकते हैं। सो दो क्वेश्चन के आंसर लिख लिए हैं मैंने, ऑब्जेक्ट ए बी सी नेवर मीट एट अ सिंगल पॉइंट, ये कभी आपस में एक ही पॉइंट पे नहीं मिल सकते हैं। सो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 3 and 4 फॉर दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट यू ऑल नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। सो नोट डाउन एवरीवन, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमारा है थर्ड पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इन तीनों को थोड़ा सा, एक जब किसी को स्ट्राइक कर रहा है तो दूसरा कहाँ पे है, दूसरा किसी को कर रहा है तो तीसरा कहाँ पे है, इस दो जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है उनको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें ये कहा पूछा जा रहा है कि जब एक बी सी से टकराएगा तो ए कहाँ पे है, तो वो सारा हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं जब हम इस ग्राफ को अच्छे से समझ लें। तो लिसन एवरीवन केयरफुली, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए। सी कितने कितना ट्रैवल किया है, सी कितना चला है जब बी पास्ड हो रहा है ए से। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ध्यान से देखेंगे कि जब बी पास्ड हो रहा है ए से, स्टूडेंट्स ये हमारा बी वाला बी है ऑब्जेक्ट, ये बी है, बी पास्ड हो रहा है ए से, ये ए है हमारा। जब बी पास्ड हो रहा है ए से, तो पहले हम देख रहे हैं कि बी पास्ड ए किस पॉइंट पे हो रहा है। बी जो पास्ड हो रहा है ए से, वो अप्रोक्स यहाँ पे हो रहा है, मान लेते हैं हम इसको कि ये 8.5 है, ये पास हो रहा है, कि ये जब पास हो रहा है तो ये 8.5 किलोमीटर पे है। अब 8.5 किलोमीटर पे बी और ए एक दूसरे से पास हो रहे हैं। अब ये पूछा है कि जब ये पास हो रहा है तो सी कितना चला है अभी तक। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, हम इसको देखेंगे कि सी कितना चला है, तो हमने यहाँ पे डैश डैश किया इससे, और हम देखेंगे कि सी कितना चला है। ये वाला एरिया हमको देखना है कि ये सी आपका कितना चला है, राइट। सो यहाँ हम देखते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ द ऑब्जेक्ट बी मीट्स ऑब्जेक्ट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8.5। हमने माना कि ये कितना चला है 8.5। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 7 किलोमीटर। हमने माना कि
सी जो है अब तक चला है वो चला है 7 किलोमीटर। कितना चल गया ये 7, हमने इसको मान लिया है कि ये, हम स्केल से इसको कर लेंगे इस तरीके से डैश डैश करके, हम देखेंगे कि आपका सी कितना चला है, ये चला है अप्रोक्स 7 किलोमीटर। कितना चल गया ये अप्रोक्स 7 किलोमीटर, जब बी ए से पास हो रहा है, जब बी ए से पास हो रहा था तो वो था आपका 8.5 किलोमीटर, और इसमें सी कितना चला है तो वो चला है अप्रोक्स 7 किलोमीटर। कंपैरिजन दिया है तीनों का। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन डी कह रहा है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। बी कितना चला है, ये बी कितना चला है जब ये पासेस हो रहा है सी से। ये हमारा सी है, ध्यान से देखिए, ये हमारा सी है और ये हमारा बी है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हमारा बी है, बी आ रहा है और ये हमारा क्या है, सी है। ये दोनों ही है। अब ये जब दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये पॉइंट हमें देखना है कि ये दोनों कितने उस समय, ये किलोमीटर कितना होगा जब एक दूसरे से टकराए तो वहां पे उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो हम इसको आगे डैश डैश करके मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये अप्रोक्स आपकी हो जाएंगी 4.5 के आसपास। ये आपकी हो गई थी 8.5 के आसपास। सो ऑब्जेक्ट बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन इट पासेस सी। सिंपल सा है, जब बी सी से पास हो रहा है तो वह कहाँ, कितने किलोमीटर पे है, 4.5 पे है जब वो सी से स्ट्राइक हो रहा है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन ग्राफिकल था, ग्राफ बना के थ्री ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करके हमें उसके डिफरेंट फोर क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये फोर क्वेश्चन जो है 2 और 2 और 4, ये आप सभी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए।